इधर वो अपना गंगा बराज वाला पुल है। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर तुम लोग बहुत ज़्यादा पैसे वाले हो तो ही यहाँ पर आओ। पड़ा हुआ कोने में, मतलब देख रहे हो प्रवीण भाई, मतलब आप लोग गुटखा खा के आ सकते हैं यहाँ पे, जो है गंदगी फैला सकते हैं, पर आप लोग यहाँ पे कैमरे से फोटो नहीं खींच सकते। हेलो गाइस, व्हाट्स अप, इट्स योर बॉय शकील खानो में खान, शकील अहमद खान। ओके तो गाइस, अभी मेरे साथ में प्रवीण है और मेरी धन में मेरे साथ में, क्योंकि ये बहुत इतने बहुत दिन से घूमा नहीं, तो मैं इसको घुमाने लेके आया हूँ गंगा बराज। अभी हम लोग गंगा बराज में हैं एंड गाइस, गंगा बराज में न्यू बोट क्लब खुला हुआ है, तो भाई हम लोग घूमने के लिए आए एंड उससे एक्सप्लोर करने आए, आप लोग को दिखाएंगे और उसके बारे में जो भी होगा सब कुछ बताएंगे। एंड अभी चलते हैं सीधा बोट क्लब के गेट पे एंड वहीं से चल के कंटिन्यू करते हैं। तो चलते हैं एंड देखते हैं। एंड आज प्रवीण बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड का आज कॉल आ गया था। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो ज्यादा बातें नहीं करते, तो अभी चलते हैं एंड देखते हैं, तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। बोले तो एकदम झक्कास। और हाँ गाइस, गाइस माइक मैं नहीं लाया हूँ क्योंकि माइक मेरा अभी खराब हो चुका है, तो वीडियो में थोड़ी थोड़ी नॉइज आएगी, तो उसे प्लीज इग्नोर करना। तो अभी चलते हैं सीधा, चल के बोट क्लब में मिलते हैं। ओके But I see you from the top, yeah, real soon. Looking down on the haters that I've been through. Told them I'll see you later, yeah, big truth. I keep a real good pace. Built a big house, damn, look at that place. Up in my mind. तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं बोट क्लब के गेट पे एंड इस तरफ गंगा बराज है और इस तरफ है बिठूर, ये आपका बोट क्लब। तो चलते हैं अंदर एंड चलते हैं देखते हैं। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग अंदर हैं और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर तुम लोग बहुत ज़्यादा पैसे वाले हो तो ही यहाँ पर आओ। अगर मेरी तरह मिडिल क्लास है तो बिल्कुल मत आओ, मैं यही सजेस्ट करूँगा। अभी अंदर मैं गया नहीं हूँ, अभी अंदर जाके देखते हैं क्या सीन है। बाहर का तो देखने के बाद मुझे लगता है मैं दोबारा कभी नहीं आऊँगा इधर, और मैं सजेस्ट भी नहीं करूँगा कि तुम लोग आओ क्योंकि टोटल पैसा वेस्ट है। और ऑटो लगा हुआ है, अगर मतलब मेन गेट से अंदर 300 मीटर है, अगर पैदल जाना चाहो तो जा सकते हो। हम तो वाले पैसे लेते हैं 50 रुपये, जैसे जो भी ले, मैंने पूछा नहीं, जो भी ले उन लोग अंदर तक छोड़ के आएंगे। जिसके बाद बता रहे हैं बोट क्लब, ऐसे लग रहा बोट क्लब नाम तगड़ा दे दिए हैं, लग रहा यहाँ पे क्या होता है, दखन देखो जंगल। गाइस मतलब स्कूटी की पार्किंग के 20 रुपये लगे हैं, अब पता नहीं अगर फोर व्हीलर से आते हैं तो उसके पार्किंग ज़्यादा लगेंगे। प्लस अगर कैमरा लेके मैं लेके आया था, कैमरा वहीं पे रखा दिया है, अगर कैमरा अंदर लेके जाएंगे तो उसके 1500 रुपये लगेंगे। और अगर मतलब टिकट की टाइमिंग जो है वो सुबह 8 से 12 तक की ना, 8 से 12 तक की 50 रुपये का है, और जो है नहीं 12 से 4 का 80 रुपये का है, और 4 से 10 तक की जो है 100 रुपये का है। लेकिन टिकट की जो टाइमिंग है वो सिर्फ 2 घंटे की है, मतलब अभी हम लोग 1 बज रहा है, हम लोग को 3 बजे तक वापस आना है। अगर 3 से ऊपर हो जाएगा 10-5 मिनट तो चलेगा, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाएगा तो पर घंटे के 50 रुपये उन लोग लेंगे एक्स्ट्रा, मतलब कुल मिला के सारा पैसा इन्हीं का है। और जो है टिकट 80 रुपये का पड़ा एक आदमी का, और बता रहे हैं कि अंदर बोट का एक आदमी का 175 रुपये पड़ेगा। बाकी अंदर चल के देखते हैं, इतने पैसे तो मैं रख के लाया भी नहीं भाई, सिर्फ और सिर्फ जंगली है यहाँ पे और कुछ दिख नहीं रहा है, सिर्फ और सिर्फ जंगल है। इससे अच्छा चिड़ियाघर घूम लेते क्यों यार, पैसा अभी पैसा वेस्ट हो गया यार। अभी अंदर देखते हैं भाई साहब क्या सीन है क्या सीन नहीं है, अगर देखते हैं पैसा वसूल होता है कि नहीं। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि पैसा वसूल होगा, जो देखते हैं भाई, हमें तो लग रहा खाली खाली और कुछ। चलो अंदर देखते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आप लोगों को, जैसा होता है बताते हैं। ओके और गाइस ये सामने शौचालय बना हुआ है, मतलब अगर आए तो अंदर जिसको हगास पता मतलब लगी है तो यहाँ पे जा सकते हैं सुसु करने और 2 नंबर करने, मतलब बना हुआ है, ये सुविधा अच्छी दी है भाई, है ना। बना अब ये पता नहीं इसका, अबे सीता भी लगा देखने के लिए, और ये पता नहीं इसके चार्जेस अलग से लेंगे कि नहीं लेंगे, अरे नहीं इस पगले हो गया। अब वो सामने आप लोग को दिख रहा है शायद बोट क्लब वहीं पे है। हाँ ये आया हमारा बोट क्लब, आप लोग देख सकते हैं सामने। तो गाइस अभी हम लोग बोट क्लब के मेन गेट पे, आप लोग देख सकते हैं, अभी चलते हैं अंदर एंड देखते हैं क्या देखने को मिलता है एंड पैसा वसूल होता है कि नहीं होता है, देखते हैं। आ जाओ अबे अंदर, म्यूजिक चल रही है, ऐसा ना हो कॉपीराइट लग जाए, भगवान जाने। म्यूजिक चल रही है, चलेगा
विकास, कानपुर विकास, ऐसा कुछ सीन है बोट क्लब के अंदर का, आप लोग देख सकते हो। बैठने के लिए बेंचें बनी हुई हैं और अगर धूप लगती है तो छाई में बैठने के लिए ये बने हुए हैं छोटे छोटे। बोट क्लब का सेल्फी पॉइंट बना हुआ है थर्माकोल से, जो कि अभी टूट चुका है। यहाँ पे सेल्फी पॉइंट मतलब बना हुआ है, सेल्फी ले सकते हैं। और अभी आगे चलते हैं, वो भी दिखाते हैं आप लोग को। यहाँ पे थोड़ा यूनिक स्टाइल में कानपुर लिखा हुआ है। और यहाँ पे ये देख सकते हैं आप लोग, स्पीकर लगे हुए हैं बड़े बड़े से, जिसमें आप लोग सुन पा रहे होंगे। धीमी धीमी बहुत अच्छी ट्यून बज रही है। और बाकी इधर आप लोग देख सकते हो, इधर वो अपना गंगा बैराज वाला पुल है। और आप लोग देखो ये पानी, और ये हमारा प्रवीण। हाँ गाइस, एक चीज़ यहाँ की बहुत ज़्यादा अच्छी, मतलब ये जो बना हुआ है यहाँ पे, मतलब इस हिसाब से बना हुआ है, मतलब पेंट हुआ है, जैसे लग रहा है सब कुछ लकड़ी का बना हुआ है, इस हिसाब से बना है, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है देखने में। मतलब सेल्फी लेने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। फोटोज क्लिक करते हैं, फोटोज भी क्लिक कर सकते हैं, अगर कैमरे से फोटोज नहीं क्लिक कर सकते क्योंकि कैमरा अंदर लाने के 1500 रुपये पड़ते हैं। एंड वीडियो शूट के भी, कैमरे से अगर शूट करते हैं उसके अलग से चार्जेस, मतलब कुल मिला के पैसे कमाने के तरीके हैं। और भी आगे चलते हैं और बताते हैं। ओके सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये है बोट क्लब। एंड अभी बोट जो गई हुई आप लोग देख सकते हैं, मैं दिखाता हूँ। एंड ये आप लोग देख सकते हैं, छोटी छोटी सी दिख रही हैं, ये गई हुई है। ये मतलब उसमें पाँच से छः लोग गए हुए हैं, जो कि अभी वहाँ तक जाएंगे एंड पूरा घुमा के आपको फिर से यहीं पे लेके आएंगे। एंड ये जो रस्सी दिख रही है हरी वाली, आप लोग इसे यहीं तक जा सकते हैं। इसके आगे जाने के लिए आपको यहाँ से पास लेना पड़ता है बोट पे जाने के लिए। वो पास 175 रुपये से स्टार्ट होता है और बहुत ऊपर तक जाता है, मतलब जैसा आप लोग लें। एंड जो आप लोग ये वाली बोट दिख रही है, उसका पास और ज़्यादा महंगा है, मतलब जैसा पैसा खर्चा करोगे वैसे मज़े मिलेंगे, सीधी बात ये है। तो आप लोग देख लो, हम लोग तो गए नहीं हैं बोट पे क्योंकि इतना पैसा आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते भाई। तो बाकी अभी आप लोग देखो यहाँ पे, एंड अभी नाव पास में आती है, वो आप लोग को दिखाते हैं। 20 मिनट्स लेटर। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, अभी बोट आ चुकी है एंड जो इससे पहले गए हुए थे वो उतर चुके हैं। एंड ये 4 से 5 पैसेंजर हैं जो फिर से जा रहे हैं। एंड 5 से 6 लोग ही जाते हैं। एंड बोट दो तरीके की हैं, एक ये, एक अलग तरीके की एक और है जिसमें ज़्यादा लोग बैठते हैं। अभी मैं पास से आप लोग को दिखाता हूँ। जी आप लोग देख सकते हैं, इसमें 4 से 5 लोग केवल बैठेंगे एंड पूरी सेफ्टी के साथ काम होता है पूरा, आप लोग देख सकते हैं। ये लोग अभी जा रहे हैं एंड पूरा घूम के आएंगे। ये चीज़ दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। मतलब यहाँ पे आप लोग कुछ, मतलब बैग अगर लाते हो तो आप लोग का बाहर ही रख लिया जाता है कैमरे का, लेकिन गुटखा आप लोग ला सकते हो। आप लोग देखो, ये देखो गुटखा थूका किसी ने, ये देखो इधर भी पूरा गुटखा पड़ा है। ये आप लोग देखो, गुटखा पड़ा हुआ है, देखो गुटखा पड़ा हुआ है, थूका किसी ने, ये यहाँ भी पड़ा हुआ है और वो वहाँ भी पड़ा हुआ कोने में। मतलब देख रहे हो प्रवीण भाई, मतलब आप लोग गुटखा खा के आ सकते हैं यहाँ पे, जो है गंदगी फैला सकते हैं, पर आप लोग यहाँ पे कैमरे से फ़ोटो नहीं खींच सकते। ये चीज़ यहाँ पे बिल्कुल सही नहीं है। तो गाइस आप लोग देख सकते हो, अभी हम लोग बाहर आ चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं वापस। एंड अभी पहले बाहर चलते हैं यहाँ से, उसके बाद चल के तुम लोग को पूरे इन्फॉर्मेशन देता हूँ, सब कुछ बताता हूँ यहाँ के बारे में। एंड बहुत तैसी हो गई पैदल चल चल के। Two hours later. ओके तो गाइस, अभी वहाँ से निकलने के बाद हम लोग आए हुए हैं अकरमपुर। आप लोग देख सकते हो सामने वो गए स्कूल अकरमपुर वाला। एंड अभी हम लोग अकरमपुर में हैं और हम लोग अभी टाइम हो क्या हुआ है, अभी टाइम हुआ है 4:22। एंड हम लोग वहाँ से निकले थे 1:30 बजे, 1:30 बजे ना, 2 बजे निकले ना, 2 बजे एक, हाँ 2 बजे 2 बजे निकले गाइस। तो मतलब मैं आप लोग को बताता हूँ फुल डिटेल में, पहले बैठ जाता हूँ सही से, मतलब एकदम दिमाग ख़राब हो जाएगा वहाँ से निकलने के बाद, इतना वहाँ से निकलने पर इतना ज़्यादा हम लोग थक गए थे, इतना ज़्यादा मतलब चल चल के इतना ज़्यादा थक गए थे पैदल कि मतलब एकदम ख़राब हो जाए। तो वहाँ से निकलने पर हम लोग आए थे परेड पे, हम लोग ने एक एक प्लेट बिरयानी खाई है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आके 20-20 रुपए के हम लोगों ने खाए हैं पानी बता के, जिसको बोलते हैं लड़कियाँ बोलती हैं पानी पूरी। तो हम लोग पानी बताचे खाएँ, तब जाके थोड़ी एनर्जी आई है। तो अब हम लोग आउटरो ले रहे हैं गाइस। मेरे हिसाब से मतलब पैसा वेस्ट था पूरा, मतलब वहाँ कुछ भी नहीं, जो मतलब अंदर जाने का जो 80 रुपये का टिकट था वो पूरा वेस्ट था। अंदर वहाँ पे कुछ भी नहीं था, मतलब 80 रुपये में अंदर टहलने का कुछ भी नहीं था घूमने वाला, मतलब केवल वो पार्क ऐसा बना था। इससे अच्छा तो हमारे उन्नाव का निराला पार्क है, निराला पार्क बहुत अच्छा है, फ्री में जाते हैं, फ्री में आते हैं। और वहाँ पे जो मतलब वो जो वहाँ का कैंटीन जो बना था, उसका जो मेन्यू कार्ड है
वो मैं स्क्रीन पर आप लोग को दे दूंगा, आप लोग देख लेना। मतलब वहाँ 20-30 रुपए का खाने का कुछ भी नहीं था, वहाँ पे 40 रुपए से स्टार्ट होती है चाय और 200 रुपए तक। मतलब पूरा मेन्यू कार्ड मैं आप लोगों को इसी में दे दूंगा, आप लोग देख लेना। एंड जो टिकट है उसमें पूरी डिटेल है, वो टिकट भी मैं आप लोग को दे दूंगा स्क्रीन में, वो भी देख लेना। मतलब जो अगर आप लोग 12 से 4 जाते हो सुबह, नहीं सुबह 8 से 12 अगर जाएंगे तो 50 रुपए का टिकट है, एंड 12 से 4 जाएंगे तो 80 रुपए का है, अगर 4 से 10 जाएंगे तो 100 रुपए का टिकट है। मतलब ये चीज़ मुझे सही नहीं लगी। और अंदर बोट पर जब जाएंगे आप लोग तो 200 रुपए का टिकट है, बोट पर स्टार्टिंग 200 रुपए थे वो अंदर, मतलब बोट पर बैठ के पानी में घूमने के लिए उसका 200 रुपए। तो मुझे वो पैसा वेस्ट लग रहा था, मैं गया नहीं, मैंने कहा 200 रुपए मतलब एक वेस्ट हो रहा था एक साथ मेरे हिसाब से। और आप लोग चाहें तो जाके घूम सकते हैं। मतलब मुझे इतना कुछ खास लगा नहीं, जैसे मैंने देखा था कि कानपुर बोट क्लब बहुत अच्छा होगा। मतलब मुझे दो दो जगह पैसे ले रहे हैं वो चीज़ सही नहीं लगी। और एक चीज़ मुझे वो भी सही लगी कि मतलब एक अंकल वहाँ जो मेन गेट था, अंकल आते हैं मतलब अपने फोर व्हीलर से आते हैं और सिगरेट जलाते हैं, मतलब पीते हुए अंदर चले जाते हैं। मतलब रूल सबके लिए बराबर होना चाहिए। मतलब वो अलग, अगर कोई लड़का जाता है तो उसको रोक लेते हैं, मतलब अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, लेकिन आप सिगरेट डिब्बी रख के और पीते हुए जा सकते हैं, ये चीज़ सही नहीं है। तो रूल सबके लिए बराबर होना चाहिए, उनको रोकना चाहिए था कि यहाँ सिगरेट पीना अलाउ नहीं, क्योंकि वहाँ पे लड़के बच्चे सब थे, लेडीज भी थी, मतलब वो पब्लिक प्लेस है, वहाँ पे सिगरेट नहीं पीना चाहिए था। तो वहाँ पे उनको मतलब किसी ने मना नहीं किया कि यहाँ सिगरेट नहीं पी सकते, वो पीते हुए चले गए थे, ये चीज़ मुझे वहाँ पे सही नहीं लगी। बाकी प्रवीण बताते हैं वहाँ के बारे में क्या कहता है। ज़्यादा जितना में इतना बताएं कि वहाँ जाना अपने माँ पैरों की माँ बहन करवाने के बराबर। मतलब गाइस वहाँ मतलब हर चीज़ के पैसे, अंदर जाने का पैसा अलग से, कैमरा अंदर ले जाओ उसके पैसे अलग से, और मेन गेट से और बोट जो क्लब बोट क्लब है वो मतलब 300 मीटर है वहाँ से, अगर मेन गेट से आप जाएंगे तो वो भी ऑटो से जाएंगे तो उसका भी पैसा लगेगा। अंदर जो मेन वो है मतलब क्या बोलते हैं बोट क्लब का जो मेन गेट है वहाँ से अंदर जो पार्क बना हुआ है उसके घूमने के भी चार्जेस हैं, जो अगर गाड़ी से आप लोग घूमेंगे तो उसके चार्जेस अलग थे, बाकी हम लोगों ने सब पैदल ही घूमा है। मतलब मुझे कुल मिला के पैसा वेस्ट लगा है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा जैसे मैंने सुना था। अगर आप लोग बाकी आप लोग को समझ में आता तो आप लोग खुद जाके देख सकते हो। और एक चीज़ और, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही थे वहाँ पे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही थे वहाँ पे, फैमिली बहुत कम थी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ज़्यादा थे। और कुछ भी अच्छा नहीं लगा, मुझे पैसा वेस्ट लगा, तो मैंने अपना पैसा वेस्ट नहीं किया वहाँ पे। मैंने जो अंदर का टिकट लिया था अंदर जाने का 80 रुपये का, बस वही वेस्ट किया है। और मैं बता दूँ कैंटीन में वहाँ पे बहुत महंगा था, मतलब 40 रुपये से स्टार्ट होता है। मैंने सोचा क्यों ना अगर हम लोग यहाँ खाते हैं तो मज़ा नहीं आएगी, हम लोग 50-50 रुपये की बिरयानी खा लेंगे तो मज़ा आ जाएगी, तो हम लोग ने 2 प्लेट बिरयानी खाई, एक एक प्लेट 30-30 रुपये की वो खाएँ पानी पूरी, तो 140 में कुल हम लोग लिपट गए, 140 रुपये में पेट भर गया है और एनर्जी भी आ गई है। और वहाँ कैंटीन में अगर खाते हो तो पैसे भी खर्चा हो जाते और ठीक से, मतलब कैंटीन में रेट उस हिसाब से जैसे जेड स्क्वायर में रेट है वो रेट वहाँ पे थे, जेड स्क्वायर वाले रेट थे वहाँ पे कैंटीन में। तो मतलब मुझे इतना कुछ खास लगा नहीं, बस वहाँ पे ये है कि छोटा मोटा आप गोवा का बीच बोल सकते हैं, जैसे गोवा के बीच में आप लोग बोटिंग करते हैं तो उस हिसाब से बनाओ। बाकी आप लोग को जैसा लगे आप लोग कमेंट करके बताना, मैंने बाकी आप लोग को दिखाई दिया है। बाकी अगर मेरी बात पर भरोसा नहीं तो आप लोग खुद जाके देख सकते हैं, आप लोग जाइए देखिए, अगर समझ में आए मेरी बात, अगर सही ना लगे तो आप लोग कमेंट करके बता देना। बाकी मुझे जो लगा वो मैंने बता दिया है। तो आज के लिए यही हमारी वीडियो थी, अगर आपको जो भी लगा हो वीडियो में बता देना, मेरी अगर बात सही लगी हो, अगर आप लोग पहले गए हो तो बताना, अगर गलत लगी हो तो भी बताना। आप लोग को अगर अच्छा लगा तो भाई बात की बात है, मुझे तो मतलब पैसा वेस्ट लगा मेरा पूरा, मतलब मुझे कुछ अच्छा नहीं लगना। प्रवीण को अच्छा लगा, हम लोग थक अलग से गए बहुत ज़्यादा, तो मतलब मुझे पैसा वेस्ट लगा। इससे अच्छा हमारा उन्नाव का निराला पार्क है, आप लोग जाइए फ्री में घूम के आइए, एंड बाहर अच्छे खासे खाने पीने की शॉप लगती है, वहाँ से सस्ते में खा सकते हैं। पर आज के लिए इतना ही था, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अगर मेरी बात कोई भी अच्छी लगी हो मतलब मेरी वीडियो की जानकारी आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ गाइस, वीडियो में नॉइज़ थोड़ी बहुत आई होगी क्योंकि माइक मेरा ख़राब हो चुका है, तो उसके लिए प्लीज़ उसे इग्नोर करना। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।